मेरे मैके से चिट्ठी आई है, मैं इनसे पढ़वा लूं, मैं तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैंने कहा सुनिए, टाइम नहीं है। अरे थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन तो लीजिए। आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा। आप आई है? हाँ। मिसेस कोकला वाली? हाँ। मिसेस कोकला वाली, तुम्हारा खोकला किधर गया? खोकला? हाँ। पता नहीं कहीं गया है। ये आप किस लिए आई यहाँ पे? आप इधर आएंगे? मैं उधर नहीं आता हूँ। इधर आइए, आपको जरूरत इधर आइए। ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। जब प्यार से बात कीजिए, जो कुछ करना हो। आज का ताजा समाचार, क्या खबर है भाई? पता चला है दिल्ली के अंदर बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? जमुना नदी के पुल के ऊपर से एक सज्जन सिगरेट पीते हुए जा रहे थे, जलती सिगरेट जमुना जी फेंक दी, भयानक आग लग गई। आग को काबू पाने के लिए 14-15 टैंक पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। सुनिए जी, आप पेपर उल्टा पढ़ रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। क्यों? ये उल्टा नहीं पढ़ रहे हम। हम हिंदी जानते नहीं हैं, अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं। अच्छा, उर्दू पढ़े हैं। हिंदी को उल्टा कर दिया, उर्दू तैयार, इसलिए से उल्टा करके पढ़ रहा हूँ। अगर कोई ऐसा टाइम आ गया तो मैं आपको भी उल्टा कर दूंगा। हैं? नहीं, ऐसी है कोई बात नहीं है। देखिए क्या, क्या समाचार है सर? गजब हो गया। क्या? शमशान घाट से एक मुर्दा 5 मन लकड़ी लेके फरार है। हैं? अभी छानबीन चले, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा मवाल हो गया, क्या मुसीबत है। और ये बड़ा गजब हो गया भाई, बहुत गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया भाई। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गया। अरे बताओ। अरे मैडम, बहुत गड़बड़ हो गया। टुंड्रा से आने वाली पैसेंजर का इंजन गाजियाबाद के बीच में अचानक गायब। गायब हो गया? हाँ, इंजन गायब। उस इंजन को ढूंढने के लिए बड़े बड़े फोर्स लगाए गए, RPF, GRP, सील पुलिस, PAC, मिलिट्री। इंजन पता नहीं चला। पता ही नहीं चला? बाद में लगाए गए होमगार्ड वाले। अच्छा, इंजन मिल गया। कहाँ? एक तवायफ के तबले में घुसा हुआ था। इतना बड़ा इंजन और इतने छोटे तवायफ के मिल गया तबले में? तबले में? आपको तबले की अवकाश नहीं मालूम है? बड़ी बड़ी रियासत, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े हवेलियां, बड़ी बड़ी कोठियां तबले के अंदर घुस गई। अच्छा। बड़े बड़े जमींदार मूंगफली बेच रहे हैं, दिल्ली के अंदर केला बेच रहे हैं, मगर उस तबले गहराई का अभी तक पता नहीं चला है। कितना गहरा है? कितना गहरा है? हमको खुद नहीं मालूम है। मेरे तीन चार जहाज खुद गायब है। हैं? हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा। बहुत बड़ा आदमी था, मेरे जहाज चलते थे। लगता है ऐसा? हाँ लगता है, अच्छा लगता है। आप मेरा भी एक काम कर दो। क्या काम? आए, मेरा एक काम कर दो। आपका? हाँ। आपका? हाँ। आपका? मैं औरतों के काम के लिए पैदा हुआ हूँ तो करो। मैं नारी निकेतन का अध्यक्ष हूँ, रणुआ सम्मेलन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा भी कर दो। बताइए, कर दूँ? हाँ। कर दूँ। मेरे मैके से चिट्ठी आई है। मैके से? हाँ। शादीशुदा है? हाँ। लाइन लगाना बेकार है, फायदा क्या है? अरे हो सकता फायदा ही हो जाए। ये खुद ही तैयार है। अरे हंसने की क्या बात है? आपकी चाय भी ठंडी हो गई? हम खुद ही ठंडे हो गए आपको देख के। लो पढ़ो। क्या पढ़े? चिट्ठी। चिट्ठी? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए मैं सोचा पड़ोसी से पढ़वा लें। इतनी खूबसूरत औरत पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ। तो किधर रहती है? बगल में। मेरे बगल में? हाँ। मैंने तो आज तक नहीं देखा। हम बाहर नहीं निकलते, मेरे पति चले गए। तो आज क्यों आई है बाहर निकल के? अरे बोला ना, पति बाहर चले गए इसलिए आ गए। तो क्या पति बाहर चले गए? परमूसर से काम चलाने आई है? क्या काम है बता? चिट्ठी पढ़ दो। चिट्ठी पढ़ूं? ला। मैं आपका एक काम करूंगा। हाँ। आप मेरा एक काम करिए। क्या? आज शाम को आप कहाँ जा रही हैं? घर पे हैं। घर पे हैं? हाँ। टाइम निकालेंगी? किस लिए? थोड़ा काम है ना, बताओ ना। कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, 5-7 मिनट का मामला है। अरे हमारे
भतारा ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? अभी आपके लिए परदेश चला गया है। परदेश नहीं गया है। कहाँ गया है? बाजार गया है। सब्जी लेने गया है? सब्जी लेने गया? आप क्या खाना पसंद करती सब्जी में? बैंगन। बैंगन? हाँ। बैंगन खाती है? और क्या? बैंगन खाती है? हाँ। कौन सा बैंगन होता है? बैंगन तीन भाई होते हैं। लेकिन हम तो एक ही खाया। कौन सा? वही काला वाला। हाँ, वो बड़ा भाई है। बड़ा भाई? हाँ, वो बड़ा भाई है। लंबा होता है ना? हाँ, वो बड़ा भाई। लंबा भी होता है, गोल भी होता है। नहीं, गोल है तो छोटा वाला भाई है। छोटा वाला? अब बीच वाला भाई मालूम कैसा होता है? कैसा? सफेद होता है। सफेद? हाँ, बहुत टैलेंट होता है वो। कहाँ होता है? लेकिन वो खेत में होता है। कहाँ होता है? अरे हमारे यहाँ तो होता नहीं, तो हमें क्या मालूम। अच्छी लग रही है यार। ये बताइए, चिट्ठी पढ़ दे आपकी? पढ़ दे। और क्या? पढ़ दे। हाँ। शाम को मिलोगी? हाँ ठीक है, पढ़िए पहले। वहाँ मिलना? कहाँ? दादरी में। ठीक है, पढ़ो तो। एक काम करना, वहाँ मिलना। वहाँ कहाँ? अरे वहाँ राजघाट पे। ये कहाँ पे है? आपको नहीं मालूम है? नहीं। ऑटो वाले बोले पहुँचा देगा, टैक्सी वाला पहुँचा देगा। समझी? ठीक है। औरत अच्छी है, काम की। पढ़ो तो। पढ़ रहा हूँ यार, टाइम तो निकालने दो। मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ? मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसको बेवकूफ बना रहा हूँ। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बता ना। अरे अरे क्या हो गया? अरे वाह। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बोलो ना। क्या बताएं आपको? हाँ। बड़ा दुखदायी कष्ट मेरे सामने आ गया है। क्या? आज सुबह में 6 बजे सो के उठा। हाँ। मेरी मेरी बकरी मर गई थी। बकरी मर गई? बकरी मर गई? मर गई। अभी तक याद नहीं आया तुमको? मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, 3-4 चिकवे मेरे पास आ गए। अच्छा। रामपाल भाई क्या हुआ? मेरी बकरी मर गई। चिंता मत करो, मेरे बकरे फालतू घूम रहे हैं, सब काम हो जाएगा, शांत हो गया। अरे ओए, 8:30 बजे मेरी अम्मा मर गई। अम्मा मर गई। मैं रो रहा था, मोहल्ले की 4-5 औरतें बुढ़िया 70-80-90 साल की इकट्ठा हो गया गई। दंपत क्या हुआ बेटा? मेरी अम्मा मर गई। बोल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मर गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से मोहल्ले की सारी बूढ़ी औरतें तुम्हारी अम्मा। तो हम भी मोहल्ले के हैं, हम भी अम्मा तुम्हारे? तो मेरे बाप का करेक्टर खराब हो जाएगा। जब माँ की ये उम्र होगी तो बाप का क्या हाल होगा? और सुनिए, हमारी क्या हुआ? क्या शाम को बड़ा गड़बड़ हो गया? क्या हो गया? दोपहर बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? मेरा बाप चला गया। कहाँ? ऊपर माँ के चक्कर में। अच्छा। मैं रो रहा था, बुढ़े इकट्ठे होके आ गए। बेटा क्या बात है, हम कहा हमारे पिताजी मर गए। मर गए? चिंता मत करो, आज से जितने बुढ़े हैं सब तुम्हारे बाप। हम प्रसन्न हो गए। हम कहा मेरे पिताजी चवन्नी देते थे, बोले 1-1 रुपया सब देंगे। चलो 15-20 बाप हो गए, 10-20 रुपया तो रोज मिल ही जाएगा, काम चलता रहेगा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बहुत गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? बड़ा गड़बड़ हो गया। शाम को 5 बजे मेरी बीवी मर गई। मरी थी कल शाम को। अच्छा। तब से अभी तक चिल्ला रहा हूँ। चिल्ला रहे हैं, लेकिन अभी तो तुम अभी रो रहा हूँ। चाय भी पी रहे हो? रो रहा हूँ, चाय चाय मुझे पी रही है। ओ तुम मेरे बगल बैठ के मेरा खून पी रही है। मालूम क्या हुआ? क्या? अम्मा बनने के लिए सब आ गई। हाँ। पिताजी बनने के लिए सब आ गए, मगर मोहल्ले की कोई औरत नहीं आई। किरमपत मत रो, तेरी औरत मर गई मर जान दे, आज से मुझको अपनी औरत समझना। हम तो आ गए। तुम आ गई हो? हाँ। तुम्हारा दिवाला निकाल देंगे। मेरा दिवाला निकालोगी? हाँ। खाली दिया है, वाला है ही नहीं। अच्छा। आप कुछ गाना जानती हैं? हाँ। हम चिट्ठी आपसे तब पढ़े, आप पहले गाना सुनाइए। अरे अभी तक तो पढ़ी नहीं। पहले गाना सुने फिर चिट्ठी पढ़ेंगे। हमारे बाप ने 3 रुपया खर्चा किया, वो पढ़ा लिखा है, बना क्या है, नफे घुस गया हूँ, लड़े पास पास धंधे क्या रहा हूँ। हैं तू गांव की जाहिल घमार औरत, माल है ठीक, बॉडी बिल्डर हो, ऐसा है
आप गाना सुनाइए, हम तब तक चाय पीते हैं, उसके बाद आपकी चिट्ठी पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ देना, लेकिन हाँ पढ़ देंगे यार हम तो। तुम मेरे पड़ोसन हो ना? हाँ। तुम्हारा पति कहाँ गया? बोला ना। सऊदी आ गया क्या? नहीं। हाँ दुबई गया है? बोला ना बाजार करने गया है। अच्छा बाजार करने गया है? हाँ। सब्जी लेने गया है? हाँ, सामान लेने। सिपहिया डाका डाली ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाली ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाली ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाका कहाँ डाला? घुंघटे पे। आपके घूंघट पे? हाँ। डाका डाला? सिपाही डाका डाला था? हाँ। डाका डाला था तो रोज नाम से मैं दस्तखत कर रहा था। पहलो डाका मेरे घुंघटे पे डालो। अच्छा सिपाही आंख मारे हमको मत देखिए। किसको देखे? मेरे भाई उधर बैठे उनको देखिए। सिपाही आंख मारे ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाले ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका आइए। क्या आप क्या किसी सिपाही की नौकरी खाएंगे? पता नहीं आपके चोली पे डाका डाल रहा है। हाँ तुमको बता रहे हैं ये चोली है तो। अरे बाप रे बाप, चोली है ये बम है। दूजो डाका मेरे जुबने पे डालो। एक मिनट के, ये हथगोला तो है नहीं, परमाणु बम लग रहा है। सिपहिया चोली खोले। बंद 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 बंद। क्या हो गया तुमको? सिपाही गैर कानूनी काम कैसे कर रहा है? सिपाही गैर कानूनी काम कैसे करेगा? तुम्हारा चोली खोल रहा है? हाँ। हो सकता है उसके अंदर कोई गैर कानूनी सामान रखा हो, इसे चेक कर रहा होगा वो। दो जो डाका मेरे घबरा चोली पे डालो। चोली चोली के बंद खोले। हाँ चोली के बंद खोले ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाले ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका। सारा माल वहीं छुपा है। वो कैसे? वो कार्रवाई कर रहा है। चोरी के माल किधर है? गोदाम कहाँ है? शोरूम किधर है? तीजो डाका मेरे लहंगे पे डालो। सिपहिया ताके झाके ओ जी उधर होगा जी, सिपहिया डाका डाले। आप इधर आइए। सिपाही ने आप के लहंगे पे डाका डाला। हाँ। तो झांक कहाँ रहा है? वो चेक कर रहा है। क्या गोदाम किधर है? अंदर अंडरग्राउंड स्टोर किधर है? जमीन वाला भूतल भूतल।
चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी पढ़े? हाँ। पढ़ो नहीं तो अंदर करा देंगे, सिपाही हमारा ही आदमी है। आप अंदर कराएंगी? हाँ। कई दफे करा चुकी हैं? बहुतों को करा दी अंदर। आपके पास लिस्ट है क्या? हाँ। कितने अंदर जा चुके हैं? 21। हैं? 22 में तुम्हारा नंबर है। 21? हाँ। तो हवला तो जगह बची कहाँ होगी? बहुत है। आपकी हवला बहुत चौड़ी क्या? हाँ। हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ करना, ये अपनी चिट्ठी ले जाओ। क्यों? मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इतनी काहे मेहनत हमसे करवा ली? हम तो औरत देख के काम चलाते रहते हैं। अब तो हम तुमको पक्का बंद करवाएंगे। बंद कराओगी? हाँ। अंदर कराओगी? हाँ, अंदर करा देंगे। एक काम करना, तुमने झूठ क्यों बोला? अरे पूरा हिंदुस्तान झूठ से चल रहा है, सच कौन बोलता है? सच बोलने वाला भूखों मर रहा है। कहाँ कौन सच बोलता है? आटा 3 रुपए किलो है। पेपर तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे सरसों का तेल 30 रुपए किलो है। औरत सस्ती है।